हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आप सबसे पहले मेरे वीडियो देख सकें। आज हम दही वाली चटनी बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है, आप घर पे ज़रूर बनाइएगा और कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए बनाना शुरू करते हैं। मेजरमेंट कप से 2 कप दही लिया है। अब 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे। कश्मीरी मिर्च एक्चुअली कलर देने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। और 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। एंड 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। मिला के 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। और जो मसाला दही में मिलाने का कारण यह है, जब हम पकाएंगे तो दही फटेगा नहीं। पॉट के अंदर 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए रखना है तो ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ऐड करनी है। अगर कम दिन के लिए चटनी चलाना है तो ऑयल आप कम ऐड कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है। अब 1 टेबलस्पून जीरा डालेंगे। जीरा जैसे ही गर्म हो जाए इसके अंदर 2 पिंच ऑफ हींग डालेंगे। अब इसके अंदर रफली चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड करेंगे और इसको सौते करेंगे। गार्लिक को थोड़ा सौते करना है, जैसे इसका गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तब तक सौते करना है। अनियन अच्छी तरह पक चुके हैं। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून ग्रेटेड कोकोनट डालेंगे और थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम है मीडियम टू लो ही रखनी है। अब इसमें जो मिक्सचर किया हुआ दही के साथ मसाला ऐड करेंगे। अच्छी तरह हिलाता रहना है क्योंकि दही है, अगर नहीं हिलाएंगे तो फट जाएगा। तो जब तक एक बॉईल नहीं आ जाए या तब तक इसको हिलाते रहना है। मसाले को स्पैचुला से अच्छी तरह हिलाते रहना है, नहीं तो दही फटने का डर रहेगा। चटनी के ऊपर ऑयल आ गया है। अब इसको गैस की लो फ्लेम करके ढक्कन लगा के पकाते रहना है। करीब 2 मिनट पकाएंगे, फिर चेक करेंगे। इसी तरह 8 से 10 मिनट तक चटनी को पकाना है। अब चटनी को चेक करेंगे। बहुत ही बढ़िया ऑयल ऊपर आ गया है। इसको 1 मिनट और 1-2 मिनट और पकाएंगे। जब इसकी अच्छी तरह जाली बन जाए मींस चटनी अच्छी तरह पक गई है। ऑयल आप अगर ज़्यादा देर नहीं रखना चाहते हो तो कम भी डाल सकते हो। ऑयल एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, सो नाइस कलर। अब इसको 1-2 मिनट और पकाएंगे। गैस फायर है मीडियम टू लो ही रखना है। आप देख सकते हो इसमें धीरे धीरे जाली बननी शुरू हो गई है।
ऑलमोस्ट चटनी रेडी है। आप अब देख सकते हो चटनी के अंदर बबल्स आ रहे हैं, जो स्पेस बन रहा है, तो इसका मतलब चटनी अच्छी तरह पक चुकी है और बहुत ही बढ़िया तरीके से। और ऑयल है ये एक प्रिजर्विटी का काम करता है, अगर एक्स्ट्रा है तो उसको हम निकाल सकते हैं। सो दही की चटनी इज रेडी। गैस की फ्लेम बंद करके चटनी को रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। दही वाली चटनी परोसने के लिए तैयार है। आप इसको साइड डिश के तौर पे लंच और डिनर में खा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कॉमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कॉमेंट्स बॉक्स।